गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, बच्चों, आज हम लेसन 20 जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, ये लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेसन आपका सिविक्स का है। चलिए लेट अस लर्न। इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं देखते हैं। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर foreign policy, which are the determining factors of Indian's foreign policy, what are the main principles of Indian's foreign policy, how are Indian relations with the neighboring countries, है ना। इसमें हम भारत की जो foreign policy है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विदेश की नीतियाँ, है ना, नीति जो होती है विदेश की नीति, है ना, उसका जो उद्देश्य है और उसका जो लक्ष्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो निर्धारक तत्व होते हैं वो कौन से हैं, है ना, जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम उसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे और पड़ोसी देश के साथ भारत के जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि जो फॉरेन पॉलिसी है इज द करश ऑफ फॉरेन रिलेशन टुडे ऑल द नेशन थ्रू geographically far from each other are very close due to mean of communication, है ना। जैसे कि आपको पता है कि जो विश्व के जो सभी नेशंस हैं वो एक दूसरे से जो है geographical दूरी पर बने हुए हैं, स्थित हैं, दूर दूर हैं, है ना। उसके बाद भी जो कम्युनिकेशन के जो आधुनिक साधन हैं उससे वो निकट आ गए हैं, है ना। अमेरिका हमसे बहुत दूर है लेकिन आज हम अमेरिका के बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के हमारे पास आधुनिक साधन हैं, इस कारण जो दूरी थी वो अब कम हो गई है। विश्व के किसी भी भाग में जो कुछ भी घटता है ना, उसका असर दूसरे राष्ट्रों पर प्रभाव उसका पड़ता ही है। विश्व के जितने भी नेशन हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यही कारण होता है कि वर्तमान में जो वर्ल्ड की जो राजनीति है उसमें इंटरनेशनल संबंधों के डेवलप और उसका निर्माण को महत्व दिया गया है। अपने जो फॉरेन संबंध है उसको अपने इच्छानुसार चलाना, है ना, संचालित करने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका जो है वो है फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए, दूसरे देशों से अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए हमें फॉरेन पॉलिसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो फॉरेन पॉलिसी है, है ना, फॉरेन पॉलिसी उन सिद्धांतों, उन प्रिंसिपल का एक ग्रुप है जो एक नेशन है दूसरे नेशन के साथ अपने संबंधों, जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उसके अंदर अंतर्गत अपने जो नेशन के राइट्स हैं या हित बोलते हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो अपनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है द फॉरेन पॉलिसी इज अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स विच इज एडॉप्टेड बाई वन नेशन टू सीक इट नेशन इंटरेस्ट। The decision to establish stable relation with other nation and the implementation of this decision is called foreign policy of a nation. है ना? अब our foreign policy क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे India's foreign policy has a great impact on the world. The culture past of India has been extremely glorious. है ना? हमारे जो भारत की फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेश, है ना, पॉलिसी मतलब नीति। तो हमारी जो विदेश की पॉलिसी है
या हम फॉरेन पॉलिसी जो है वो विश्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की जो विदेश नीति है या हम बोल सकते हैं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो विश्व पर गहरा प्रभाव डालता है। भारत के जो कल्चर जो है वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर जो देश है उनके साथ भी भारत जो है उनके साथ दोस्ती का संबंध बनाए हुए है। भारत में विदेश जो पॉलिसी है, विदेश नीति है या फॉरेन पॉलिसी है, उसके जड़ें जो है शताब्दियों से बहुत पुराने समय से विकसित सभ्यताएं जो थी उसके मूल के अंदर छुपी हुई हैं। इसमें प्राचीन और जो बहुत प्राचीन जो थे वो और जो मिडिल युग था उसके शैलियों में और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसकी विरासत में और स्वाधीनता आंदोलन मूवमेंट जो था उसमें, है ना, इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच और जो गांधीवादी जो दर्शन थे, है ना, उसके प्रभाव आदि का प्रभावशाली योग रहा है। अब हमारे भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या थे, मेन एम्स, है ना, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेन एम्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी क्या थे, टू मेक इंडिया अ पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। हमारी भारत की जो विदेश नीति है उसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि हमारे भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। नेक्स्ट है टू गेट द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना, भारत के जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके विकास के लिए दूसरे देशों से जो है आर्थिक सहायता प्राप्त करना, ये किसका, ये एम है किसका, फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद और क्या है, टू अपोज कॉलोनाइजेशन एंड द इम्पीरियलिज्म, है ना, उसके बाद क्या है, जो उपनिवेश निवेशवाद होता है और जो राष्ट्रीयवाद साम्राज्यवाद होता है उसका विरोध करना। फिर इसका एम क्या होता है, जो एशिया है, है ना, एशिया और जो अफ्रीका है उनके देशों के स्वतंत्र जो आंदोलन है उसका समर्थन करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो राष्ट्रमंडल है उसके उनके देशों का घनिष्ठ जो वेल्थ कंट्रीज है ना घनिष्ठ संबंध बनाना है। फिर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। उसके बाद जो प्रवासी भारतीय हैं, है ना, जो बाहर रहते हैं उनको उनके हितों की रक्षा करना है, है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को प्रोटेक्ट देना है, है ना, इसी प्रकार से पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। ये सब क्या है, एम्स है, क्या है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उसके प्रमुख लक्ष्य क्या है, है ना, ये सब हमने पढ़े, ये सब लक्ष्य थे। उसके बाद डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, डिटरमाइनिंग भारत की जो विदेशी नीति है उसके निर्धारण तत्व क्या है, कौन से डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या होता है कि जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके उसको बनाने के लिए उसका निर्धारण में भारत का जो आकार है ना, ज्योग्राफिकल एरिया है उसके उस भारत का जो आकार है वो एशिया में अपनी विशेष स्थिति तक दूर दूर तक फैली जो सामुद्रिक और जो पर्वत सीमाएँ पर विशेष स्थान है, ठीक है ना। आपको पता है हम नीचे जाते हैं भारत के नक्शा आपने देखा है, मैप देखा है, तो जब हम नीचे के साइड जाते हैं तो हमारा क्या है, वहाँ पर अरेबियन सी है, इधर साइड में क्या है, अरेबियन सी है, बे बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन है ना। तो एशिया में अपनी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली जो समुद्र है ना सामुद्रिक और ऊपर जाएंगे तो हिमालय वगैरह पर्वत है ना, तो पर्वतीय सीमाओं पर विशेष स्थान है। भारतीय जो है वो व्यापार तथा सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। उसके बाद आता है गुट निरपेक्षता, जिसको हम बोलते हैं नॉन एग्लियंस मूवमेंट्स, है ना, विश्व के जो दो दो ग्रुप है, एक तो होता है कैपिटलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म और दूसरा होता है कम्युनिस्ट, तो इसमें ये बटा हुआ है। दोनों में मनमुटाव के कारण जो है वो
क्या हुआ, कोल्ड वार हुआ। भारत में इन दोनों ग्रुप से अलग रहकर अपने आप को क्या जो गुटनिरपेक्ष देश रखा, जो दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थ दोनों दो ग्रुप थे ना उनके बीच में जो मेडिटेरियन बनते हैं उनका कार्य कर जो इंटरनेशनल तनाव है उसको कम करने में सहायता करता है। कौन करता है? फॉरेन पॉलिसी। फिर नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जो है ट्रेडिशनल उसमें क्या होती है, परंपराएं, ऐतिहासिक परंपराएं जो होती हैं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही शांति प्रिय रही है। भारत जो है, भारत अपनी प्राचीन जो कल्चर है और जो उसका अपना एक पुराना इतिहास है, आज तक भारत में किसी दूसरे देश पर जो है प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, उसने किसी पर दूसरे देशों पर अपने अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं किया है। यही परंपरा जो होती है जो अभी विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी में देखी जा सकती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है डिटरमिनेंट फैक्टर है ना किसके, फॉरेन पॉलिसी के, वो है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल मतलब राष्ट्रीय और इंटरेस्ट हित है ना, नेशनल हित। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनका कहना था है ना, क्या कहना था कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी की जो आधारशिला है ना, जो बेस है वो उसके राष्ट्रीय जो नेशन हित है उसकी सुरक्षा होती है, और भारत की फॉरेन पॉलिसी का ध्येय यही है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मुख्य जो मेन प्रिंसिपल्स है, किसके हम पढ़ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, द मेन प्रिंसिपल ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, उसके मुख्य क्या क्या हैं। सबसे पहले है नॉन एग्लियन मूवमेंट, अपोजिशन ऑफ द कॉलोनिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म अगेंस्ट एपेथी है ना। तो पहला था जो, वो क्या नाम है उसको, गुटनिरपेक्ष बोलते हैं, वो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत में जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है कि शक्तिशाली जो ग्रुप है उनसे दूर रहना। गुटनिरपेक्षता की जो नीति है ना तो भागने वाली होती है, मतलब पलायन जिसको बोलते हैं ना, एक भाग जाना ना हो, वो भी नहीं होती, प्लानवादी भी नहीं होती और न ही अलगाववादी होती है। ठीक है, इसके बाद बल्कि ये कैसे कैसे होती है, ये दोस्ती कराने में सहयोग देती है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हैं है ना, पंचशील जो होते हैं, वो पंचशील का मतलब होता है पंचशील है ना, क्या होता है, एन आइडिया ऑफ द पंचशील केम अप ऑन द तिब्बत इशू व्हेन द इंडिया एंड चाइना साइन अ ट्रीटी ऑफ ऑन मे 29, 1957 है ना। तो ये जो पंचशील जो है वो कब आया था, जब तिब्बत के मुद्दे है, जो तिब्बत का मुद्दा था उस पर 29 कब, 29 मई 1954 है ना, को भारत और चीन के बीच जो संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उसमें साकार हुआ। पंचशील जो कल्चर है उसके दो शब्द पंच और शील से बना है। पंच का अर्थ होता है पांच और शील का अर्थ होता है आचरण या फिर या होता है नियम, आचरण के नियम। तो ये पांच नियम ये निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार से लिखे हुए हैं। पहला क्या है कि जो है एक दूसरे के जो प्रादेशिक अखंडता है और जो प्रभुत्ता है ना, उसका आदर करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है ना। और उसके बाद है अनाक्रमण, मतलब होता है नॉन एग्रेशन, नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। फिर इक्वलिटी एंड द म्यूचुअल बेनिफिट्स। फिर है पीसफुल को एक्सिस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, उसके बाद पंचशील के बाद और भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड पीस है ना, इसका क्या है,
ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, किसका, फॉरेन पॉलिसी का, मेन प्रिंसिपल ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। तो उसका पॉइंट क्या है, सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, मतलब वर्ल्ड सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए सपोर्ट करना या समर्थन करना, है ना। भारत जो है वो जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, उसके मूल सदस्य में से एक है, है ना। ये जो है यह विश्व शांति के लिए कार्य करता है ना, जैसे आईएलओ, है ना, फिर आईएलओ के बाद यूएनआईसीईएफ, एफएओ, यूएनईएससीओ, ये आदि, ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो भारत है, इंडिया ऑलवेज फॉलो द यूएनए डायरेक्शन, जो भारत है हमेशा लोगों के सोशल और इकोनॉमिक कल्याण के लिए संयुक्त राज्य यूएन है उसके निर्देशों का पालन करती है, ठीक है। सपोर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब क्या होता है कि निःशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत आज भी जो शस्त्र होते हैं, है ना, उसके किसके आर्म, है ना, उसके अपोज में है। आज भारत भी जो शस्त्र होते हैं उनके होड रोकने का समर्थ है। इसके लिए वह आवश्यक है कि जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें न बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। केवल नी जो शस्त्रीकरण है ये अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल पीस है उसको दृढ़ कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है, है ना। इससे हम अपने धन और जो साधन है, सोर्स है, उसके उपयोग से सभी नेशंस का विकास कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियर पॉलिसी। न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर, न्यूक्लियर मतलब होता है परमाणु नीति, है ना, पॉलिसी मतलब नीति। तो न्यूक्लियर जो पॉलिसी है उसके अंदर क्या है, इंडिया इज अगेंस्ट टू यूज द न्यूक्लियर पावर इन वॉर, है ना, ये उसके अगेंस्ट है। तो परमाणु जो पॉलिसी है उसके युद्ध के लिए प्रयोग करने के वो विरुद्ध है, कौन, भारत। भारत जो स्पेस में परमाणुकरण का समर्थन नहीं करता है और वह परमाणु जो संधि है उसका विरोध भी करता है क्योंकि वह पक्षपात पर आधारित है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट आता है सपोर्ट टू SAARC, है ना, सार्क जिसको बोलते हैं, SAARC सार्क, इसके उसका सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। जो साउथ एशिया नेशन है राज्यों के साथ भाईचारे के संबंध का विकास करने के लिए भारत ने किससे, जो हमारे साउथ के, साउथ एशियन जो नेशंस हैं उसके साथ भाईचारे के संबंध का विकास करने के लिए भारत ने सार्क, है ना, सार्क की स्थापना में सहयोग दिया है। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, भारत आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका, है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव्स, ये राज्य आते हैं, ठीक है। इसमें गिन के देखिए कितने आते हैं, भारत, है ना, इंडिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो किस सार्क में कितने देश आते हैं, 7, ठीक है। ये तो ये क्या थे, ये सब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, ये सब अबाउ जो प्रिंसिपल्स थे हैव हेल्प इंडिया इन रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड हैव गिवन बूस्ट टू आवर फॉरेन पॉलिसी, है ना। तो हमारे जो ऊपर हमने अभी सिद्धांत पढ़े वो हमारे देश के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, उसकी प्राप्ति के लिए वो गति प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में पड़ोसी देशों से भारत के संबंध। अब आपको पता है कि हमारे देश, इंडियन रिलेशन विद हर नेबरिंग कंट्री, हमारे देश के जो हमारा देश है उसका संबंध हमारे पड़ोसी देश से कैसा है। भारत, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है, बहुत विशाल देश है, उसकी सीमाएं, उसकी बाउंड्रीज कहाँ लगी हुई है, कहाँ किसको टच करती हैं, चाइना को करती है, नेपाल को करती है, भूटान, है ना, बर्मा, म्यांमार,
श्रीलंका एंड पाकिस्तान, ये सब देशों को हमारी देश की सीमा टच करती है ना। भारत के जो रिलेशन है ना, भारत के रिलेशन अपने पड़ोसी देश के साथ हमेशा एक से नहीं रहे हैं, कभी कभी समस्या आती भी है। भारत में इन समस्याओं को सदैव शांतिपूर्ण ढंग से इसका इस समस्या को सुलझाया गया है। इन्हें सुलझाने में वह किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि तीसरा व्यक्ति आए और इस को भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करे। देश के जो इकोनॉमिक विकास है और शांति और स्थिरता के लिए पड़ोसी देश के साथ मित्रता और सहयोग की भावना होना बहुत ही ज़रूरी है ना। अब आपको पता है हमारे देश में हमारे जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं, है ना। हमारे भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, चीन, चाइना है, और कौन सा है, नेपाल है, है ना, नेपाल है, फिर भूटान है, पाकिस्तान है, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, इंडिया और बांग्लादेश। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।